सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एससी व जनजाति एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ बुधवार को पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया। कई दलित संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया, कई राजनीतिक पार्टियों ने भी समर्थन किया। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा बुरारी में बंद का समर्थन किया है। करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकालकर भारत बंद का समर्थन किया है। आप पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान के नेतृत्व में अमृत विहार से लेकर बुराड़ी के कांशीराम चौक तक मार्च निकालकर भारत बंद का समर्थन किया। पार्टी के समर्थकों एवं समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आरक्षण में उपवर्गीकरण के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है। पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान विरोध प्रदर्शन के दौरान बुराड़ी के कांशीराम चौराहे की सड़क पर तपती धूप में धरने पर बैठ गए, जिससे रोड पर लंबा जाम लग गया। कांशीराम चौक पर भी लगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर अध्यक्ष रामवीर चौहान द्वारा माल्यार्पण कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी अध्यक्ष रामवीर चौहान ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि कोर्ट का ये आदेश मंजूर नहीं है, सरकार से इस आदेश के खिलाफ नोटिफिकेशन लाने की मांग करी जा रही है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान, राहुल चौहान, सोनू कौशिक, पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल गोयल, मनोज के अलावा तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने आप पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान से बात करी तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता की यह रिपोर्ट। देखिए, इस देश में जो जातिवादी ताकतें हैं वो आज जब दलित यूनाइट हुए हैं तो उनको तोड़ने की एक गहरी साजिश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराई गई है और एससी एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कोर्ट का सहारा लिया है केंद्र की सरकार ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने। आज उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में बंद का आयोजन किया गया और हम सभी दलित वर्ग के सभी लोग इकट्ठे हो गए उसका विरोध करें कि क्रीमी लेयर वापस लिया जाए और केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से अधिसूचना जारी करे कि एससी एसटी में कोई क्रीमी लेयर नहीं होगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो भेदभाव है समाज में वो सामाजिक भेदभाव आर्थिक रूप से नहीं है। अगर आज देश में मायावती जी के पास पैसा है तो क्या वो पैसा उनकी जाति बदल सकता है? वो जाति नहीं बदल सकता पैसा। तो पैसे से जाति सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होता। इसी पे देश के सारे दलित नेताओं ने आज भारत बंद का आयोजन किया है और आपकी अपनी पार्टी के लोग भी इस भारत बंद में शामिल है पूरे देश में और हम भी इसका समर्थन करते हैं कि क्रीमी लेयर को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करे। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करे कि कोई क्रीमी लेयर नहीं होगा। सिर्फ भरोसा दिलाने से बात नहीं बनेगी। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ भरोसा दिलाते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन लेटर एंट्री जैसी स्कीम लाके उन्होंने पूरे देश में ये आरक्षण को खत्म करने की मुहिम चला रखी है। तो हम सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और क्रीमी लेयर की स्कीम जो है इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, इसके विरोध में। ये कोर्ट का आदेश नहीं है, ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी साजिश में शामिल है और उसी के द्वारा ही किया है। जो लैटरल एंट्री का इशू था वो आपने देखा होगा, वो भाजपा सरकार का था। तो ये कोर्ट के आदेश नहीं है, भाजपा की नीयत और नीति में फर्क है। वो दलित और गरीब लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए ताकि ये लोग इकट्ठे ना हो सके। अब जब बाबा साहब ने कहा कि इकट्ठे होकर संघर्ष करो, आज ऐसी स्थिति है कि जो दलित है उनमें भी बंटवारा करने की साजिश रच दी गई है। तो उस बंटवारे के विरोध में आज ये हमारा भारत बंद को समर्थन है और हमारा प्रदर्शन है। सर, ये मार्च किधर से चला, कहां तक पहुंचा? ये हमने अमृत विहार चौक से शुरू किया है और ये हमारा सक्सेस मार्च रहा है, अभियान रहा है ये हमारा सक्सेस। और इसके जरिए हमने देश की जनता, क्षेत्र की जनता को एक मैसेज दिया। समापन कहां पर कर रहे हैं? बाबा साहब की प्रतिमा जिसका अनावरण अभी किया गया 14 अप्रैल को, यहाँ पे इसका हम समापन। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के जरिए अधिक से अधिक जाति समूह के लोगों के उत्थान में मदद मिल सके, इसी के तहत ही अपना आदेश दिया था। दलित समाज के लोगों ने इस आदेश का विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस आदेश के खिलाफ एक नोटिफिकेशन लाया जाए और इस आदेश को एससी और एसटी के लोगों को मंजूर नहीं है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।